हे दिया पोकेमॉन ट्रेनर्स, दिस इज और अगले चार। आज हम लोग दोबारा से आ चुके हैं पोकेमॉन यूनाइट्स के एक और नई अपडेट वीडियो में। और गाइस, आज की वीडियो में हम लोग कुछ नई अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि थर्ड एनिवर्सरी से रिलेटेड आई है। और जहां तक बात करूं अपडेट्स की, तो थर्ड एनिवर्सरी से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट हमारे डेटा माइनर ने दी है। तो आज के अपडेट में मैं सबसे पहले हो से रिलेटेड अपडेट की बात कर लेता हूँ, और उसके अलावा मैं जो अपडेट अभी राइट नाउ चल रहा है हमारे गेम में उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, एंड तक बने रहिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकायदी के। तो सबसे पहले अगर मैं हो के अपडेट्स की बात करूँ, तो हो का इवेंट से रिलेटेड अपडेट्स आई है, जिसमें हो डिवाइन फॉरेस्ट चैलेंज आने वाला है। और ये चैलेंज सेम टू सेम मेराइडोन के सैंडविच इवेंट जैसा है। जैसे मेराइडोन के सैंडविच इवेंट में हम लोग को कंटिन्यूस डेली लॉगिन के दिन एक डाइस मिलता था रोल करने के लिए, वैसे ही इसमें भी हम लोग को डेली एक डाइस मिलने वाला है लॉगिन के थ्रू। और अगर आप लोग उससे खुश नहीं हो कि आप लोग का जितना नंबर आया है रोल करने के बाद, तो आप लोग इसको री रोल भी कर सकते हो। और हर एक डाइस को रोल करने के बाद आप लोग को एक स्क्वायर पे जंप करना है जितना आपका नंबर आया वो उसके हिसाब से। और हर स्क्वायर पे आप लोग को एक एक मिशन मिलने वाला है, और आप लोग जैसे ही उस मिशन को कम्प्लीट करोगे आप लोग नेक्स्ट डाइस रोल कर सकते हो। और बिना मिशन को कम्प्लीट किए आप लोग डाइस को फिर से रोल नहीं कर सकते हो। और डिवाइन फॉरेस्ट कॉइन्स आप लोग को कलेक्ट करने हैं, जिसके थ्रू आप लोग फिर ये हो को परचेज कर सकते हो। और ये डिवाइन फॉरेस्ट कॉइन्स हर एक मैप के एंड पे आप लोग को बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलेंगे, और हर मिशन कंप्लीट करने पे आप लोग को कंटिन्यूस डिवाइन फॉरेस्ट कॉइन्स भी मिलते रहेंगे। तो ट्राई करना जितने ज़्यादा आप लोग मिशन कम्प्लीट कर सको इसमें। और कुछ लक्की स्क्वायर्स भी रहेंगे इसमें, जैसे आप लोग के मेराइडोन के सैंडविच इवेंट में था वैसे ही। उन लकी स्क्वायर्स पे आप लोग जैसे ही जंप करोगे तो आप लोग 7 से 8 स्क्वायर्स जंप कर सकते हो। और हम लोग इन डाइस को लॉगिन डेली लॉगिन के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं, और पैनिक परेड इवेंट के थ्रू भी कलेक्ट कर सकते हैं। यानी हम लोग का पैनिक परेड इवेंट वापस से आने वाला है 19 जुलाई को, और उसके थ्रू हम लोग इस इवेंट में डाइस कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे अपडेट्स थे हो से रिलेटेड। तो आप लोग बताओ, आप लोग को कैसा लग रहा है कि हर एक लेजेंडरी पोकेमॉन के अपडेट में ये लोग सेम ही इवेंट लेके आ जाते हैं? ओके भाई लोग, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं उस अपडेट की जो कि अभी कंटिन्यूस हमारे गेम में चल रहा है। तो हमारे गेम में अभी वीकेंड इवेंट आज से स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम लोग को सबसे पहले तो फ्रोनेट कैमोरेंट का होलोवेयर पे डिस्काउंट मिलने वाला है, और उसके बाद फ्रोनाइट विगली टफ के होलोवेयर पे डिस्काउंट मिलने वाला है। प्लस हमें कैमोनेंट और विगली टफ के यूनाइट लाइसेंसेस पे भी डिस्काउंट मिल रहा है। तो आज के दिन जिसको भी परचेज करना है जल्दी से जाके परचेज कर लेना। फिर आते हैं प्लैटिनम एम्बलम की। तो इस बार हमें आईवीसौर का प्लैटिनम एम्बलम मिलने वाला है, जिसके स्टैट्स की बात करूँ तो इसमें हम लोग को स्पेशल अटैक +3 मिलने वाला है, और डिफेंस -5 मिलने वाला है। और प्लस ये ग्रीन एम्बलम है, तो ग्रीन एम्बलम बिल्ड के लिए हम लोग को एक और नया प्लैटिनम एम्बलम वाला ऑप्शन मिल चुका है। और वीकेंड इवेंट में हम लोग को चैम्पियन स्टाइल स्लोब्रो का होलोवेयर का टेम्प्ररी लाइसेंस भी फ्री में मिल सकता है। देखो गाइस, आप लोग को बस आज या कल के बीच में कोई भी छोटा सा परचेज करना है तो आप लोग को स्लोब्रो का चैम्पियन स्टाइल वाला लाइसेंस टेम्प्ररी ही पर फ्री मिल सकता है। तो आप लोग उसको ट्राई कर सकते हो अगर आप लोग को करना है तो बस गाइस, आज की अपडेट यही तक थी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आप लोग को मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।